हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निरंकल भाई दयाल सर में। जैसा कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम और उसे कंप्लीट भी करेंगे आज ही और एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके जो एग्जाम्पल है उसको ट्रिक के द्वारा लर्न करेंगे, ठीक है। आपने कहीं भी पढ़ा होगा इससे पहले एनिमल किंगडम, तो आप अभी तक कन्फ्यूज होंगे इस चैप्टर में। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट को इस चैप्टर में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। और कंफ्यूजन के दौरान एग्जाम में क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, आंसर कुछ और आता है और हम टिक कुछ और करके आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग लर्न करेंगे। लर्न करने का कुछ बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका में ये है कि हम लोगों को सीक्वेंस इसका याद नहीं रहता है। सीक्वेंस नहीं याद रहेगा तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो सबसे पहले हम लोगों को सीक्वेंस याद रखना है। किसका सीक्वेंस? जो फाइलम हम लोगों को पढ़ना है, 11 फाइलम इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जो 10 है वो नॉन कॉर्डाटा है और जो 11वां है वो कॉर्डाटा फाइलम है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए सीक्वेंस वाइज लर्न करते हैं। तो नंबर वाइज हम लोग को लर्न करना है। जैसे कि एक में कौन है, एक नंबर पे आ गया पॉरीफेरा। कौन? फाइलम पॉरीफेरा। किस नंबर पे? एक नंबर पे। दो नंबर फाइलम सिलेंटराटा। तीन नंबर फाइलम टीनोफोरा। देखिए तीन नंबर पे टीनोफोरा, टीन का मतलब टीनोफोरा। और चार नंबर पे प्लेटीहेलमिंथ्स। प्लेटीहेलमिंथ्स पे क्या आ जाता है? फ्लैटवर्म आ जाता है। और फ्लैटवर्म का फर्स्ट लेटर क्या है? एफ है। और एफ फॉर फोर, ठीक है। तो फोर नंबर पे प्लेटीहेलमिंथ्स। और जो फाइव नंबर पे है एस्केलमिंथ्स। और सिक्स नंबर पे है एनेलिडा। कौन है? एनेलिडा। और सेवन नंबर पे है कौन? अर्थ्रोपोडा। सेवन नंबर अर्थ्रोपोडा। और एट नंबर मोलस्का, ठीक। और नाइन नंबर इकाइनोडर्माटा। और टेन नंबर हेमीकोर्डाटा, ठीक है। हेमीकोर्डाटा, ये 10 नंबर तक था जो सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। और 11वां है कॉर्डाटा, ठीक है। कॉर्डाटा, ठीक है। ये 11 को हम लोग को सीक्वेंस में याद रखना है नंबर वाइज। एक नंबर पे पॉरीफेरा, दो नंबर सिलेंटराटा, तीन नंबर टीनोफोरा, फोर नंबर प्लेटीहेलमिंथ्स, फाइव नंबर एस्केलमिंथ्स, सिक्स नंबर एनेलिडा, सेवन नंबर अर्थ्रोपोडा, एट नंबर मोलस्का, नाइन नंबर इकाइनोडर्माटा एंड टेन नंबर हेमीकोर्डाटा एंड लास्ट जो है कॉर्डाटा 11 नंबर, ठीक है। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो फर्स्ट लेटर जो है उसके बेसिस पे हम लोग इसे याद रखेंगे। कैसे? देखिए इसमें क्या है, देखिए पो ओ सी ओ को पोको, ठीक है। पोको तीन नंबर पे हम उदाहरण टीनो, पोको टीनो। और चार नंबर पे प्लेटी, पोको टीनो प्लेटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फाइव नंबर पे एस, अस आ जाता है अस। सिक्स नंबर पे आन, ये क्या हो गया? आसान। पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट, आर्ट, ठीक। पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट। एम फोर, एम फॉर म, ठीक। एम फॉर म, ई फॉर ई, ठीक है। ई फॉर ई, यानी कि इसको कैसे लर्न रखेंगे तो वो हम बता रहे हैं। एच फॉर है। और लास्ट में क्या है? कोडाटा, ठीक है। लास्ट में कोडाटा, इसको याद कैसे रखेंगे सीक्वेंस है? पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट में है, ठीक है। पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट में है कोडाटा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट में है क्या? कोडाटा, ठीक है। याद हो जाएगा? तो ये हम लोग को याद रखना है वो नंबर वाइज, ठीक है। याद हो गया पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट में है कोडाटा, ठीक। ये 11 याद हो गया हम लोगों को, जैसा हम आशा करते हैं आप लोगों से, ठीक है। ये याद हो गया। तो चलिए ये कुछ है बेसिक पॉइंट जो हम लोगों को याद रहना ही चाहिए। क्या है इसमें? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या याद रखना है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेन लेवल और ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है। देखिए तो सेलुलर लेवल हो जाता है एक नंबर, एक नंबर बोले तो पॉरीफेरा। और दो से तीन नंबर में क्या है? दो से तीन नंबर में सिलेंटराटा और टीनोफोरा, जिसमें बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल का, ठीक है। और एक है प्लेटीहेलमिंथ्स, इस नंबर पे चार नंबर पे। उसका क्या है बॉडी लेवल? तो उसका ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? प्लेटीहेलमिंथ्स का क्या है? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी सारे है 5 से 11 तक, यानी कि कौन कौन? एस्केलमिंथ से लेकर कोडाटा तक, ये सब क्या है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है, ठीक। और अगला पॉइंट हम लोग का सिमेट्री। सिमेट्री को कैसे याद रखेंगे? तो सिमेट्री को, सिमेट्री हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने, तीन प्रकार। ये एक तो असिमेट्रिकल होता है जिसमें कोई सिमेट्री ही नहीं मिलता है। एक होता है क्या? रेडियल होता है। रेडियल जिसमें किसी भी सेंटर से अगर उसको हम विभाजित करें यानी कि काटें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए, जो रेडियल में होता है। और बाइलेटरल, बाइलेटरल में लेटरली डिवाइड होता है। जैसे कि हम लोग का बॉडी है, इसे बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट जो मिलेगा, जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले, जो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। तो चलिए इसे क्या, फर्स्ट में तो सिमेट्रिकल अब्सेंट ही होता है, इसे असिमेट्रिकल बोलते हैं फर्स्ट में। और दूसरा है 2 3 9, 2 4 सिलेंटराटा, 3 4 टीनोफोरा एंड 9 4 इकाइनोडर्माटा, जिसमें क्या है?
सिमेट्रिकल रेडियल मिलता है। कैसा मिलता है? रेडियल मिलता है, ठीक है। और रेस्ट जो सारे है बचे हुए उसमें क्या हो, बाइलेटरल है, ठीक है। क्या है? बाइलेटरल है। और इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वल स्टेज होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल मिलता है लार्वल स्टेज में, और जो एडल्ट स्टेज में वो रेडियल सिमेट्रिकल मिलता है, बाकी सारे में बाइलेटरल मिलता है 239 को छोड़ करके, ठीक। और सिलोम, सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी किसमें प्रेजेंट है, किसमें अब्सेंट है, और किसमें किसमें सिवडो है, ठीक है। तो एक से लेकर चार तक यानी पॉलीफेरा से लेकर प्लेटीहेल मीन तक क्या है, सिलोम अब्सेंट है उसमें। और पांचवा जो है एस्केल मीन्स, इसमें क्या है, सिलोम सिवडो है, ठीक है। देखिए एस्केल मीन्स, एस्केल मीन्स क्या से स्टार्ट होता है, जैसे बोलते हैं उच्चारण में क्या से स्टार्ट होता है, एस से। एस्केल मीन्स एस और सिवडो, ठीक है। सिवडो भी उच्चारण में एस से स्टार्ट होता है, तो इसे हम लोग आराम से आसानी से याद रख सकते हैं कि एस्केल मीन्स में क्या होता है, सिलोम सिवडो सिलोम होता है, बाकी सारे सिलोमेट है। इस किस को छोड़कर, एक चार और पांच को छोड़कर के सारे क्या है, सिलोमेट है। दूसरा है सेगमेंटेशन, यानी कि सेगमेंट बॉडी में प्रेजेंट होगा तो उसे सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंटेशन। तो किसमें ये प्रेजेंट है, 6, 7, 11, ठीक है। 6 नंबर पे एनेलिडा, 7 नंबर पे अर्थ्रोपोडा, और 11 नंबर पे ऑर्डेट, ठीक है। ठीक, तो ये सारे में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। ऑर्डेटा में भी मिल जाता है कुछ में, ठीक है। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है, बाकी सारे में क्या है, अब्सेंट है, बाकी सारे में सेगमेंट अब्सेंट है 6, 7, 11 को छोड़ करके। एक एक्सेप्शन आ जाता है नियोप्लीना, जो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। किस फाइलम से? मोलस्का से, नियोप्लीना, ठीक है, जिसमें सेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एक्सेप्शन है, वो हम लोग को याद रखना है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जानना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें अब्सेंट है, किसमें प्रेजेंट है, और किसमें कंप्लीट है, किसमें इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि पॉलीफेरा में अब्सेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और 2-4 में, 2-4 कौन कौन, सिलेंट रहता है, और प्लेटीहेल मीन्स में क्या है, इनकम्प्लीट है। 2 से लेकर 4 तक, यानी कि 2 से लेकर 4 तक किस किस में, सिलेंट रहता, टीनो फोरा और प्लेटीहेल मीन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, बाकी सारे में क्या है, कम्प्लीट है। बाकी सारे कने का मतलब 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, बाकी सारे में प्रेजेंट है। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है किसमें, 1 से लेकर 5 तक, यानी कि पॉलीफेरा से लेकर एस्केल मीन्स तक सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, बाकी सारे में प्रेजेंट है। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या जाता है, ये अब्सेंट है किसमें, 1 से लेकर 6 तक, ये क्या है, अब्सेंट है, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, एनेलिडा तक, पॉलीफेरा से लेकर एनेलिडा तक क्या है, अब्सेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बाकी इसमें किसमें, बाकी सारे में प्रेजेंट है, ठीक है। और आता है अपना कि जर्म लेयर कैसा है, ठीक है, जर्म लेयर कैसा है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 2 लेयर प्रेजेंट होगा उसे डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें क्या क्या, इक्टोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होगा डिप्लोब्लास्टिक में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों प्रेजेंट होगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है। 2 और 3 क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, 2 और 3 का क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट रहता और टीनोफोरा का, जो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, और बाकी सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हाँ, और ये जो है कौन कौन पॉली फेरा, उसमें तो मानिए अब्सेंट ही रहता है। एक्सक्रेशन कैसे होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या क्या है, तो देखिए पॉली फेरा में स्पॉन्जोसील है, पॉली फेरा में एक्सक्रेशन स्पॉन्जोसील के द्वारा होता है, और प्लेटीहेल मीन्स में फ्लेम सेल के द्वारा होता है, और एनेलिडा में नेफिलिया के द्वारा होता है, और अर्थ्रोपोडा में मेलफिलियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, और जो मोलस्का है उसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, फेदर लाइक गिल्स जीव जो हेल्प करता है क्या, एक्सक्रेशन में। और प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होता है हेमिकोडाटा में, किसमें, हेमिकोडाटा में प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होता है हेमिकोडाटा में, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्सक्रेशन हेमिकोडाटा में। तो ये सारे पॉइंट थे, हम लोग को याद रखना है, ठीक है, और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आइए। फर्स्ट किंगडम है हम लोगों का फाइलम पॉलीफेरा। पोल का मतलब होता है क्या, पोल का मतलब यानी कि छेद, ठीक, छेद, छेद का मतलब क्या, यानी कि इसके बॉडी में छेद प्रेजेंट होगा, यानी कि पोर्स प्रेजेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, जो फाइलम पॉलीफेरा के जो मेंबर है वो कॉमनली स्पॉन्जेस नाम से जाना जाता है, ठीक है। दे आर जनरली मैरिन, मैरिन मतलब समुद्रीय, एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल, जो क्या होता है, जनरली मैरिन होता है और मोस्टली असिमेट्रिकल होता है, जनरली मैरिन, कुछ है जो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। दे आर प्रीमेटी मल्टीसेलर, एक ऐसा मल्टीसेलर एनिमल है, तो प्रीमेटी मल्टीसेलर एनिमल्स है, एंड हैव सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलर लेवल का है। और अगला है स्पॉन्जेज हैव वाटर कैनाल सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे बोलते हैं। स्पॉन्जेज हैव क्या होता है, स्पॉन्जेज के पास, स्पॉन्जेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेज में क्या प्रेजेंट होता है,
वाटर ट्रांसपोर्ट और इसे कैनाल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ठीक है, इसके बॉडी में क्या होता है, छेद प्रेजेंट होता है, जो पोर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और ऑस्टिया के थ्रू क्या वाटर इंटर किया कहाँ पे, इसके सेंट्रल कैविटी, जो सेंट्रल कैविटी को बोला जाता है इसमें स्पॉन्जोसील, सील का मतलब सिलोन होता है और सिलोन का मतलब कैविटी होता है, तो स्पॉन्ज में जो कैविटी होगा उसे स्पॉन्जोसील बोलेंगे। तो वाटर इंटर किया ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में, और एक ओपनिंग होता है इसके बॉडी पे ऑस्कुलम, एक ओपनिंग ऑस्कुलम, वाटर इंटर किया ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से वाटर इंटर करने के बाद ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है, किसके द्वारा, ऑस्कुलम के द्वारा। ठीक है, अगला, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन, किस किस चीज में हेल्प करेगा, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यानी कि कैनाल सिस्टम है जो हेल्प करता है फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी कि एक्सक्रीशन में। ठीक है, अगला है कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ये क्या होता है, कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल, इसके बॉडी में कोनोसाइट्स और कॉलर सेल प्रेजेंट होता है जो स्पॉन्जोसील और कैनाल सिस्टम को क्या करता है, लाइन करता है, क्या कोनोसाइट्स और क्या कॉलर सेल, क्या कोनोसाइट्स और कॉलर सेल। डाइजेशन इसमें कैसा होता है, डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है, यानी कि डाइजेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो सेल के अंदर होगा। ठीक, अगला है द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, इसका बॉडी जो होता है एक स्केलेटन से कवर होता है, जो स्केलेटन बना होता है किसका, किसका बना होता है, तो स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का इसका स्केलेटन बना होता है, किसका स्केलेटन, वो स्पॉन्जेज का, स्पॉन्जेज किसमें आता है, फाइलम पॉलीफेरा में। ठीक है, अगला है सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि सेपरेट नहीं है, सेपरेट नहीं है यानी कि दो बॉडी में प्रेजेंट नहीं, यानी कि अलग अलग नहीं है, तो सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट होगा तो ये एनिमल क्या होगा, हर्माप्रोडाइट, हर्माप्रोडाइट कहने का मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गेन एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो तो उसे हर्माप्रोडाइट बोलते हैं, जो किसमें मिलता है देखने को, तो ये हम लोग को देखने को मिल जाता है स्पॉन्जेज में। जैसे कि इसका दिया हुआ है एक सेंड स्पॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई द सेम इंडिविजुअल, हाँ सेक्स ऑर्गेन दोनों एक ही में है तो एग और स्पॉन्स तो एक ही बॉडी द्वारा ना प्रोड्यूस होगा, तो वही बात है। अगला स्पॉन्जेस प्रोड्यूस असेक्सुअली बाई किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, और सेक्सुअली क्या कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो गैमिट बना करके, गैमिट में क्या बनेगा, एग और स्पॉन्स के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल करने का मतलब बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, और जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट करने का मतलब यानी कि जो यंग वंस प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट के समान नहीं होता है। ठीक है, जो पेरेंट है यानी कि एडल्ट है वो एडल्ट के समान नहीं होता है, उसके आकार के जैसा नहीं होता है, तो कैसा होता है, तो इसका आकार होता है लार्वा के जैसा, यानी कि लार्वल स्टेज हम लोग बोलते हैं। इनडायरेक्ट जहां भी आएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो वहां हम लोग को समझ जाना है कि इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। ठीक, अगला है इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल क्या है, साइकोन, और साइकोन के मेंबर्स को कॉमनली जाना जाता है स्काइफा के नाम से, कॉमनली नोन एज स्काइफा। स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, जेंदरी क्या है, स्पॉन्जेज, यानी कि स्पॉन्जेज क्या है, मैरीन है, लेकिन स्पॉन्जिला है जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यानी कि फ्रेश वाटर मिलता है। अगला है यू स्पॉन्जिया, जिसे बाथ स्पॉन्जी के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोगों को याद रखना है, कौन कौन, साइकॉन स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, और साइकॉन के मेंबर को जाना जाता है स्काइफा के नाम से, स्पॉन्जिला को जाना जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्जी के नाम से, और यू स्पॉन्जिया को जाना जाता है बाथ स्पॉन्जी के नाम से। ये एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है और आ चुका है, स्पॉन्जिला वाला आ चुका है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी जो कौन है, स्पॉन्जिला है। तो चलिए अगला फाइलम है हम लोग का, फाइलम सीलेंटेराटा, 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 सील, सील का मतलब क्या, सिलोम, सिलोम का मतलब क्या, कैविटी, कैविटी प्रेजेंट रहेगा इसके बॉडी में, यानी कि सील मतलब कैविटी। ठीक है, यानी कि बोराई जैसी कैविटी होती है, जैसे बोरे जैसे एनिमल भी इसे बोला जाता है, बोरा जानते हैं, बोरा, हाँ, तो थैला जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसे सिनिडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं, दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैरीन होता है, सेसाइल होता है, और फ्री स्विमिंग होता है, और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होता है। ठीक है, कैसा सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, मोस्टली मैरीन है, और सेसाइल है, यानी कि फ्री स्विमिंग, यानी कि फ्री फॉर्म में रहता है।
अगला है द नेम सिनिडेरिया इज डिराइव फ्रॉम, जो नेम है निडेरिया वो किस चीज से डिराइव हुआ है, तो इसमें एक क्या होता है निडोब्लास्ट या जिसे निडोसाइट्स भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है किसमें, किसमें सिनिडेरिया में, सिनिडेरिया बोले तो सिलेंटेरेटा, ठीक है। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट, जो सिनिडोब्लास्ट होता है उसमें क्या होता है स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। देखिए ये निडोब्लास्ट का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, निडोब्लास्ट का ये जो देख रहे हैं टेंटिकल्स, इसमें जो टेंटिकल्स है वो किस चीज में हेल्प करता है पहले जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, जो सिनिडोब्लास्ट है और निडोसाइट्स है जो इसके टेंटिकल और इसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जो कंटेन क्या करता है स्टिंगिंग कैप्सूल जिसे नेमेटोसिस्ट भी बोला जाता है। तो नेमेटोस प्रेजेंस ऑफ नेमेटोसिस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंटेरेटा यानी कि सिनिडेरिया, ठीक है। नेमेटोसिस्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो सिनिडेरिया का यानी कि सिलेंटेरेटा का, ये क्वेश्चन आ चुका है और इसे हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला है नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, जो इसे एनकरेज में हेल्प करेगा, डिफेंस में हेल्प करता है, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, और भोजन को अंतर्ग्रहण करने में भी मदद करता है, कौन नीडोब्लास्ट, ठीक है। निडेरियंस इनहिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, ये हम लोगों को पता है कि क्या होता है इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है और डिप्लोब्लास्टिक है। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसमें क्या होता है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। इसमें क्या होता है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है जिसमें सिंगल ओपनिंग होता है, यानी कि जहाँ से लेता है वहीं से निकाल देता है, जहाँ से खाता है वहीं से निकालता है, यानी कि सिंगल ओपनिंग माउथ होता है जिसे हाइपोस्टोम बोला जाता है, ठीक है। अगला डाइजेशन इसमें कैसे होता है, तो डाइजेशन इसमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन इसमें होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन होगा और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर डाइजेशन होगा। सम ऑफ द निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, कौन कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कुछ जो निडेरियंस है जैसे कि कोरल जिसका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन किसका बना होता है कोरल्स का, और कोरल्स किसका एग्जाम्पल है तो निडेरिया का, निडेरिया बोले तो सिलेंटेरेटा का। अगला है निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है। निडेरियंस जो क्या है दो फॉर्म का बॉडी शो करता है, यानी इसका जो बॉडी है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो पॉलिप फॉर्म में मिल सकता है दूसरा मेड्यूसा फॉर्म में मिल सकता है। पॉलिप फॉर्म कहने का मतलब पॉलिप से हम लोग को याद रखना है पॉलिप और पाइप, ठीक है, पॉलिप और या पाइप। मेड्यूसा में देखिए मेड्यूसा में आ गया क्या, मेड्यूसा में क्या आ गया, आ गया यू यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप, और इसमें क्या आ जाता है पाइप, पॉलिप में पाइप शेप यानी कि सिलेंडर शेप और मेड्यूसा में अम्ब्रेला शेप, ठीक है। द फॉर्मर इन सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा और एडेंसिया, जो फॉर्मर है यानी कि जो पॉलिप फॉर्म है वो कैसा होता है सेसाइल होता है और सिलिंड्रिकल होता है, जो कि कौन होता है, कौन होता है हाइड्रा और एडेंसिया, कौन फॉर्म है हाइड्रा और एडेंसिया पॉलिप फॉर्म है। देखिए हाइड्रा और एडेंसिया में कॉमन क्या है डीडी हाइड्रा याद रखना, हाइड्रा का तो हम लोग जानते हैं इसका जो बॉडी होता है सिलेंडर के टाइप का होता है यानी कि पाइप जैसा होता है, तो पॉलिप फॉर्म हाइड्रा और एडेंसिया में, और मेड्यूसा में अम्ब्रेला से। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, ठीक है। जो मेड्यूसा फॉर्म होता है वो ऑरेलिया में देखने को मिलता है, ऑरेलिया में देखिए मेड्यूसा में यू आ गया, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप किसका होता है ऑरेलिया, ऑरेलिया में भी यू है, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। पॉलीफॉर्म हाइड्रा और एडेंसिया और मेड्यूसा फॉर ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म, कुछ ऐसे जो निडेरियन है वो दोनों फॉर्म शो करते हैं। दीज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जैसा कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं, और इसमें क्या होता है तो पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली, और बॉस फॉर्म जब शो करेगा तो क्या पॉलिप जो होगा वो मेड्यूसा का क्या करेगा निर्माण करेगा, कैसे असेक्सुअली, एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, और मेड्यूसा पॉलिप का निर्माण करेगा कैसे सेक्सुअली, और इसका एग्जाम्पल है क्या ओबेलिया, क्या ओबेलिया, ओबेलिया इसमें क्या होता है बॉस फॉर्म मिलता है, यानी कि कौन कौन पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों प्रेजेंट होता है। पॉलिप फॉर्म जो प्रोड्यूस करता है असेक्सुअली मेड्यूसा को, और मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पॉलिप फॉर्म को, ठीक है। इसका एग्जांपल है ओबेलिया जिसमें मेटाजेनेसिस शो होता है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन फाउंड इन ओबेलिया, इसमें ओबेलिया और मेटाजेनेसिस फाउंड इन ओबेलिया, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लोग को याद रखना है, तो चलिए एग्जांपल पर चर्चा करते हैं। पहला है फाइसेलिया, क्या फाइसेलिया,
फाइसेलिया, जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं, इसको फाइसेलिया को आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा फाइसेलिया, ठीक है। तो इसका जो सोल्जर का जो पैप होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। एडम्सिया, एडम्सिया जिसे सी एनिमोन, सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है, किसको, एडम्सिया को। अगला है पेनाटूला, पेनाटूला को सी पेन के नाम से जाना जाता है, पेन पेन और सी पेन, ठीक है। गॉर्गोनिया, इसका भी आप जब गूगल पे सर्च मारिएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है फैन की तरह, हाथ वाले जो पंखा होते हैं ना उसकी तरह गॉर्गोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, इसलिए इसे सी फैन के नाम से जाना जाता है। अगला है मिंड्रिना, जिसे ब्रेन पोरल के नाम से जाना जाता है, मिंड्रिना, ठीक है। इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो याद रखेंगे ऐसे, आप लोग कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए हाइड्रा, हाइड्रा को, को में आ जाता है सी ओ, को में सी ओ, सी फॉर कोरल और ओ फॉर ओबेरिया, ठीक है। हाइड्रा को फायदा, क्या फायदा, फायदा में क्या क्या फायदा हुआ, देखिए फायदा में याद आता है फाइसेलिया, पी एच वाई फॉर फाय, ये डी फॉर दा, ठीक है। फायदा, 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 पी एच वाई ए डी ए लिखिए, ठीक है, ठीक है, किसको, हाइड्रा को फायदा। अगला है पेन, क्या पेन, फैन, पेन फैन, और पेन फैन, और फॉर ऑरेलिया, ऑरेलिया बोले तो जेली फिश, ठीक है, और ब्रेन, और क्या ब्रेन। तो ऐसे हम लोग को याद रखना, क्या हाइड्रा को, हाइड्रा को, सी फॉर कोरल, ओ फॉर ओबेलिया, को फायदा, पी एच वाई फॉर फाइसेलिया, ए डी ए फॉर एडेमसिया, हाइड्रा को फायदा क्या हुआ, पेन फैन और ब्रेन, हाइड्रा को फायदा पेन फैन और ब्रेन, ठीक है। तो पेन बोले तो पेना टूला दिमाग में रहेगा, और फैन बोलेंगे तो सी फैन यानी कि गॉर्गोनिया, और ब्रेन बोलेंगे तो मिंड्रिना यानी कि ब्रेन कोरल, और फोर तो जानते हैं ऑरेलिया, ए यू आर लिखेंगे उसे, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिख लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना अगला फाइलम, अगला फाइलम है हम लोग का टीनोफोरा, क्या टीनोफोरा, टीनोफोरा, और इसमें देखिए नाम में ही एग्जाम्पल आ जाएगा, नाम से ही एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, टीनोफोरा, तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है टीनो प्लाना, देखिए टीनो, टीनो फॉर टीनो प्लाना, जो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका टीनो प्लाना, और टीनो प्लाना याद रखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लाना, प्लाना पी एल, पी एल आ गया इसमें, टीनो प्लाना में पी एल, तो पी एल फॉर प्लीवरो ब्रैकिया, क्या प्लीवरो ब्रैकिया, ठीक है। टीनो प्लाना याद है तो दोनों याद हो गया, टीनो प्लाना और उसमें पी एल आ जाता है तो उसे याद रख सकते हैं प्लीवरो ब्रैकिया, चाहे आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं टीनो फॉर टीनो फोरा, और टीनो फॉर टीनो प्लाना, और पी फॉर प्लीवरो ब्रैकिया, तो एग्जाम्पल इसका हम लोग याद कर लिए। चलिए जानते हैं टीनो फोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेली, जिसे क्या सी वॉलनट और कॉम जेली के नाम से जाना जाता है। टीनो फोर्स को आर एक्सक्लूसिवली मैरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मैरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल मिलता है, डिप्लोब्लास्टिक है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ, रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। इसका बॉडी बियर करता है एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, इसका बॉडी क्या बियर करता है, कॉम्प्लेक्स, जो कैसा होता है, सिलिएटेड होता है, और कितने नंबर होते हैं, एट होते हैं, एट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं और सिलिएटेड होते हैं, किसमें, तो टीनोफोरा में, जो हेल्प करता है किस चीज में, लोकोमोशन में। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, ठीक है, सिलिएट्रेटा में भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर था, और टीनोफोरा में भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर है, और इसमें एक करेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है बायो लुमिनेसेंस, ठीक है। बायो लुमिनेसेंस कहने का मतलब इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो लाइट इमिट कर सकता है, लाइट इमिट कर सकता है, यानी डिफरेंट टाइप का लाइट इमिट कर सकता है, कौन, टीनोफोरा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट एज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, जो कि टीनोफोर्स में दिखने को मिलता है बायो लुमिनेसेंस, ठीक है। और सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट कहें तो यानी कि अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो एक ही मोहल्ला में दोनों प्रेजेंट होगा, एक ही मोहल्ला में यानी कि एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होगा। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट और रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, और रिप्रोडक्शन जो होता है टीनोफोरा में जो सिर्फ सेक्सुअल ही होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ होता है, सेक्सुअल वगैरह कुछ नहीं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है यानी कि बॉडी के बाहर होता है, और कैसे होता है, कैसे होता है डेवलपमेंट इसमें, तो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट बोले तो इसमें भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, टीनोप्लाना और प्लीवरोब्राकिया, ये तो एग्जांपल तो हम लोग को याद रहेगा, टीनोप्लाना किसका एग्जांपल है, तो टीनोफोरा का, ठीक है।
ये हम लोग को याद रखना है। अगला हम लोग का फाइलम है प्लेटीहेड, मीन्स क्या है प्लेटीहेड मीन्स प्लेट। प्लेट का मतलब होता है क्या? प्लेट का मतलब होता है फ्लैट। प्लेट का मतलब होता है चौरा, चिपटा, चिपटा, चिपटा का मतलब फ्लैट। ठीक है, तो ये कैसा है प्लेट टाइप? प्लेट कहते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए फ्लैट, और फ्लैट कहते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए फ्लैट वर्म। क्या? फ्लैट वर्म। ठीक, तो चलिए जानते दे है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, जिसका बॉडी कैसा होगा फ्लैटेंड होगा। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसलिए इसे फ्लैट वर्म बोला जाता है। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट, जो कैसा है मोस्टली इंडो पैरासाइट्स है, और जो एनिमल में मिलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में भी मिलता है और मोस्टली एनिमल में पैरासाइट के रूप में मिलता है। फ्लैट वर्म्स आर जनरली बाइलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एंड ऑसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिर भी इसको हम लोग जान लेते हैं। फ्लैट कहने का मतलब फ्लैट, फ्लैट बोले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक ये है, लीवर फ्लूक सेकेंड एग्जाम्पल इसका है, जो सेकेंड फिगर है और लीवर फ्लूक का है, जो कैसा है फ्लैट है। तो फ्लैट कहने का मतलब फ्लैट, फ्लैट बॉडी रहेगा, और फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म बोले तो कौन पेशी वाला यानी कि लीवर फ्लूक आ जाएगा। और ठीक है, ये कैसा है मोस्टली इंडो पैरासाइट्स है, और कैसा है बायलेटरली सिमेट्रिकल है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेन सिस्टम नहीं ऑर्गेन लेवल, एनिमल विथ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम सब लोगों से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड असिलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक और असिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोम अब्सेंट है, तो कौन है? तो प्लेटीहेड मीन्स है, और प्लेटीहेड मीन्स का एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है टिनिया और फैसियोला होता है। ठीक है, अगला चलिए जानते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। हाँ, ये तो पैरासाइट के रूप में मिलता है, कौन प्लेटीहेड मीन्स के मेंबर, और इसमें हुक्स और सकर प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक फॉर्म में। सम ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जो कुछ है जो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी सरफेस के द्वारा क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्लेटीहेड मीन्स में जो होता है, प्लेटीहेड मीन्स बोले तो फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म बोले तो एफ एल ए यानी कि फ्लेम सेल, फ्लेम सेल। प्लेटीहेड मीन्स से क्या याद रखना है, इसमें फ्लैट वॉर्म, और फ्लैट वॉर्म में क्या होता है फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, इसमें भी जो सेक्सेज है वो सेपरेट नहीं है, यानी कि क्या अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट नहीं है। अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होगा? हाँ, तो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट बोले तो लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कौन जो मेंबर है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट टूट गया और वो जो टूटा पार्ट है फिर से एक नए बॉडी में डेवलप कर जाता है, जो प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल है क्या टिनिया, टिनिया जिसे टेपवर्म के नाम से जाना जाता है, फैसियोला जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। प्लेटीहेड मीन्स सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म कहते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए फैसियोला यानी कि लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक जिसका बॉडी क्या होता है चपटा होता है, चपटा होता है फैसियोला। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है फैसियोला यानी कि लीवर फ्लूक, दूसरा है टिनिया यानी कि क्या टेपवर्म, और तीसरा है प्लेनेरिया। ये तीन एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है प्लेटीहेड मीन्स में। ठीक है, प्लेटीहेड मीन्स नाम से भी याद रखते हैं, प्ले पी एल ए फॉर प्लेनेरिया, टी आई फॉर टिनिया, और फैसियोला लीवर फ्लूक तो हम लोग को याद ही है। ठीक है, यह है फिगर टेपवर्म का यानी कि टिनिया का फर्स्ट वाला फिगर है, और दूसरा है लीवर फ्लूक का। लीवर फ्लूक देखिए चिपटा हुआ है ना, प्लेट है, तो ऐसे हम लोग को याद रखना है और रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, अगला आ जाता है हम लोग का पांचवा जो फाइलम है वो स्केल मीन्स है। स्केल मीन्स कहते हैं, स्केल मीन्स में देखिए फर्स्ट दो लेटर ए एस, ए एस, ए एस, ए एस बोले तो देखिए स्केल मीन्स, स्केल मीन्स, स्केल मीन्स में ए एस है। ए एस सुनते ही यानी कि स्केल मीन्स सुनते ही इसका सेकेंड जो फर्स्ट और सेकेंड लेटर है वो हमारे माइंड में आना चाहिए ए एस। ठीक है, ए एस, ए एस स्केल मीन्स में आ गया ए एस, ए एस फॉर एस्कैरिस, एस्कैरिस मीन्स राउंड वर्म, एस्कैरिस मीन्स राउंड वर्म। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को याद रखना है, नाम से एग्जाम्पल याद हो जाएगा, कुछ याद करने का नहीं है। ठीक है, एस्केल मीन्स में एग्जाम्पल हो गया एस्कैरिस, और एस्कैरिस को हम लोग जानते हैं राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कैसे ऑर्गेनिज को शामिल किया गया, राउंड वर्म ऑर्गेनिज को शामिल किया गया।
द बॉडी ऑफ स्केल मीन्स इज सर्कुलर, इसका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर होता है इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म, सर्कुलर होगा इसलिए इसे राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग के रूप में भी मिल सकता है, एक्वेटिक भी मिल सकता है, और टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट के रूप में भी प्लांट और एनिमल में मिल सकता है। स्केल मीन्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्केल मीन्स यानी कि एस्कैरिस, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। हलबेंडा जो खाते हैं ना हम लोग, किसके लिए खाते हैं, वो एस्कैरिस के लिए, यानी कि राउंड वर्म को मारने के लिए। हलबेंडा जो तो मारता नहीं है, लेकिन इसमें जो होता है क्या, ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जकड़ा रहता है, हलबेंडा जो खाते हैं तो वो क्या करता है, इसको सेपरेट कर देता है हमारे इंटेस्टाइन से, जो कि एनस के द्वारा बाहर आ जाता है। राउंड वर्म सब ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से सारे स्केल मीन्स के बाद सारे में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। दे आर बायलेटरी, बायलेटरली सिमेट्रिकल। और देखिए ये राउंड वर्म है, यानी कैसा है, राउंड वर्म है तो कैसा है, कैसा है, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है, तो इसमें बायलेटरिकली सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। एंड स्यूडो सीलोमेट एनिमल्स, एस फॉर स्केल मीन्स एस फॉर स्यूडो, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाली कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। किसमें मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, स्केल मीन्स में, और स्केल मीन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है। एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब, एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स, इसमें क्या होता है, एक्सक्रेटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के वेस्ट है यानी कि एक्सक्रेटरी मटेरियल उसे बॉडी से बाहर कर देता है, किसके द्वारा, एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा, ठीक है। सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्सेज सेपरेट है, सेपरेट है यानी कि अलग अलग बॉडी में सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट होगा, मेल है तो मेल में और फीमेल है तो फीमेल में, और सेक्स ऑर्गेन सेपरेट है तो इसे क्या बोलेंगे, डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक बॉडी में एक। आइए मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑप्टेन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होता है, ऑप्टेन फीमेल जो होता है लंबा होता है मेल से, क्या होता है, जो मेल है वो फीमेल से छोटा होता है, समझ रहे हैं ना, यानी कि नारी भारी है। और इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका याद रखना है हम लोगों, एस फॉर तो जानते हैं, एस्केल मीन्स में आ जाता है एस्केरिस, एस फॉर स्केल मीन्स एस फॉर एस्केरिस, एस्केरिस जिसे राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। और अगला एग्जाम्पल है उचेरेरिया, उचेरेरिया को भी हम लोग जानते हैं, जानते हैं ना, उचेरेरिया बैंक प्रॉपर्टी फाइलेरियल वॉल, जानते हैं ह्यूमन डिजीज में पढ़ना है हम लोग, नहीं जानते, ठीक है। उचेरेरिया बैंक प्रॉपर्टी जिसे फाइलेरियल वॉल के नाम से जाना जाता है। अगला है एनकाइलो एस्टोमा, क्या, एनकाइलो एस्टोमा जिसे हुक वर्म के नाम से जानते हैं, क्या क्या, राउंड वर्म हुक वर्म आ जाता है स्केल मीन्स में, ये याद रखना है। और ये नहीं कि इतनी इसमें चला गया, किसमें, प्लेटी हेल मीन्स में सिर्फ आ जाता है कौन, फ्लैट वर्म, और राउंड वर्म जो और हुक वर्म स्केल मीन्स में आ जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग को याद रखना है, स्केल मीन्स में क्या आ जाता है, ए फोर एंटाइलो एस्टोमा, और एस फोर एस्पेरिस, और एक याद रखना है हम लोग को उचेरेरिया बैंक्रोप्टी यानी कि फाइलेरियल वर्म। अगला हम लोग का फाइलम एनेलिडा सिक्स नंबर, कौन, फाइलम एनेलिडा, कौन, फाइलम एनेलिडा, कंट्रोल कंट्रोल भाई कंट्रोल, रुक रुक, ये फाइलम एनेलिडा, इन न्यूलस का मतलब होता है रिंग, ठीक है, इन न्यूलस का मतलब होता है रिंग, रिंग बोले तो सेगमेंट, सेगमेंट बोले तो मेटामियर्स, ठीक है। तो कैसा होगा इसका बॉडी, कैसा होगा, रिंग लाइक होगा यानी कि सेगमेंटेड होगा। हम लोग जानते हैं सेगमेंटेड बॉडी किसका होता है, किसका होता है, अर्थवर्म का, जानते हैं ना अर्थवर्म का, अर्थवर्म देखे है कि नहीं, अर्थवर्म देखे है, तो उसमें जो बॉडी होता है उसका बॉडी जो होता है सेगमेंट में डिवाइड होता है, यानी बहुत सारे सेगमेंट उसके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसमें होता है, अर्थवर्म में यानी कि फेरेटिमा में, ठीक है। तो चलिए दे में भी एक्वेटिक, एक्वेटिक भी हो सकता है, एक्वेटिक में कैसा, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिल सकता है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, और जमीन पे भी मिल सकता है, फ्री लिविंग के रूप में मिलेगा, एंड समटाइम पैरासाइट के रूप में भी ये मिलेगा, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके मीन्स के बाद तो सारे में ऑर्गेन सिस्टम लेवल है, और इसमें बायलेटरल बायलेटरल सिमेट्री मिलता है, जैसे कि जो है अर्थवर्म उसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो बायलेटरली डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीनों लेयर प्रेजेंट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल्स, इसमें क्या है, सेगमेंट प्रेजेंट होता है और सिलोम भी प्रेजेंट होता है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इन टू सेगमेंट्स और मेटामेर्स,
एंड हेंस द प्लेट फाइलम नेम एनेलिडा, ठीक है। लैटिन में एन्यूलस को लिटिल रिंग बोला जाता है, लैटिन वर्ड है एन्यूलस, एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एनेलिडा में, ठीक है। दे पॉजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल किसमें प्रेजेंट होता है, एनेलिडा के मेंबर में, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। एक्वेटिक एनेलिड्स लाइक नीरिस पॉजेज लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया, ठीक है, विच हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में मदद करता है। एक्वेटिक फॉर्म है एनेलिडा का कौन, नीरिस, कौन नीरिस, नीरिस जो क्या इसमें लेटरल अपेंडिज प्रेजेंट होता है, जिसे पैरापोडिया बोलते हैं, यानी पैर जैसा लेटरल अपेंडिज प्रेजेंट होगा जो इसे स्विमिंग करने में मदद करेगा, ठीक है। किसमें, नीरिस में, जो कैसा है, एक्वेटिक है। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज होता है। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया इसका सिंगलर होता है नेफ्रिडियम, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है किसमें, एनेलिडा में, जो हेल्प करता है एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। अगला है न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, जिसका न्यूरल सिस्टम है वो पेयर गैंग्लिया को कंसिस्ट करता है, कनेक्टेड बाई नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोर, जो किसे कनेक्टेड रहता है, डबल वेंट्रल नर्व कोर से लेटरली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस, ठीक है, नेरिस जो कैसा है, एक्वेटिक फॉर्म है, जो डायोसियस है, डायोसियस बोले तो, डायोसियस बोले तो यानी कि सेपरेट, यानी कि अलग अलग, यानी कि दो बॉडी पे प्रेजेंट होगा, मेल ऑर्गेन और सेक्स ऑर्गेन, मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में, ठीक। यानी कि कौन है, नियरिस एग्जांपल है डायोसियस का, बाकी कौन है, अर्थवर्म और लीचेज, बट अर्थवर्म और लीचेज आर मोनोसियस, मोनो मीन्स एक, यानी कि एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो ना, एक ही मोहल्ले में दोनों, मोनोसियस रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। अर्थवर्म और लीचेज मोनोसियस का एग्जाम्पल है, डायोसियस का नियरिस है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग आराम से याद रख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं, एग्जाम्पल तो नाम से ही पता चल गया, पता चल गया ना, यानी कि एनेलिडा, एनेलिडा बोले तो, एनेलिडा बोले तो एन्यूलस, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होता है, तो फेरेटिमा में, फेरेटिमा बोले तो अर्थवर्म, और देखिए इसमें ने, एन 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 ई फॉर, एनी फॉर, एनी फॉर नेरिस, ठीक है, एनी फॉर नेरिस, ठीक। इसका एग्जाम्पल है नेरिस फेरेटिमा, नेरिस फेरेटिमा जिसे अर्थवर्म के नाम से जानते हैं, एंड हीरोडिनेरिया, क्या हीरोडिनेरिया, ठीक है, और एक है हीरोडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच के नाम से भी जानते हैं। ये तीन एग्जांपल हम लोग को याद रखना है, नेरिस प्लेटिना, हेरे हीरोडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच। अगला फाइलम है हम लोगों का फाइलम अर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम क्या, अर्थ्रोपोडा, ठीक है। अर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंट, क्या, अर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंट, और पोडा मीन्स होता है अपेंडेज, 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 इसमें जो अपेंडेज होगा कैसा होगा, ज्वाइंट होगा, यानी कि जो इसका लेग लाइक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों एक दूसरे से क्या होगा, ज्वाइंट रहेगा। दिस सिस्टम इज लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया, सारे इंसेक्ट को। ओवर टू थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, लगभग दो तिहाई एनिमल्स है जो क्या है, आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। दे हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल क्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय, किसके द्वारा, किसके द्वारा कवर होता है, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा, किसके द्वारा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, किसे प्रेजेंट होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तो आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। और इसका बॉडी जो होता है तीन पार्ट में डिविजिबल होता है, द बॉडी कंसिस्ट हेड थोरैक्स एंड एब्डोमिन, ठीक है। दे आर, दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेज, इसके पास कैसा होता है, अपेंडेज ज्वाइंटेड होता है, दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेज, आर्थ्रोस विच ज्वाइंट पोडा मीन्स अपेंडेज, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गेन आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम, इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होता है क्या क्या होते हैं, तो गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं और बुक लंग्स होते हैं और ट्रेकियल सिस्टम होते हैं, इसका हम लोग को याद रखना है। और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इज ओपन टाइप, इसमें सर्कुलेशन जो होता है ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गेन्स लाइक एंटीना, एंटीना सेंसरी ऑर्गेन कैसा होता है, एंटीना की तरह होता है, आइज, आइज कंपाउंड और सिंपल, जो आइज होगा कंपाउंड भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गेन आर प्रेजेंट, क्या, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गेन किसमें प्रेजेंट होता है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर में, यानी कि इंसेक्ट में, ठीक है। एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, दे आर
ठीक है, एक्सप्रेशन जो होगा किसके द्वारा होगा, मेलबिलियन ट्यूबुल के द्वारा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दे आर मोस्टली डायोसियस, जो मोस्टली क्या है, डायोसियस है यानी कि सेक्स ऑर्गन सेपरेट, यानी कि दो बॉडी पे मिलेगा, मेल है तो मेल पे, फीमेल है तो फीमेल पे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस, और मोस्टली कैसा होता है, ओविपेरस होता है यानी कि यंग वंस को अंडा के रूप में प्रोड्यूस करता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम लोग को लर्न करना है, एग्जाम्पल यानी कि सारे इंसेप्ट एग्जाम्पल है इसका, सारे इंसेप्ट, ठीक है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेप्ट, जैसे कि आ गया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेप्ट में एपिस, जिसे हनी बी के नाम से जानते हैं, बॉम्बिक्स जिसे सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं, और लैसीफर, लैसीफर जिसे लैक इंसेप्ट, लैक इंसेप्ट के नाम से जानते हैं। ये तीन एग्जाम्पल है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेप्ट का, ठीक है। एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म, लैसीफर लैक इंसेप्ट, और वेक्टर्स, वेक्टर्स में सारे मॉस्किटो आ जाते हैं, क्या मॉस्किटो यानी कि मच्छर, वेक्टर यानी कि डिजीज कॉज कर सकता है, और मच्छर कौन कौन से है, ये ना फ्लीज मॉस्किटो, ट्यूलेक्स मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है वेक्टर्स में। और ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल है लोकस्टा यानी कि लोकस्ट, ये पूछा जा चुका है 2020 में, ठीक है। ग्रीगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल है कौन, लोकस्टा यानी कि लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल ये भी पूछा जा चुका है, लिविंग फॉसिल लाइमुलस यानी कि किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है कौन, लाइमुलस यानी कि किंग क्रैब, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है लोकस्ट, लोकस्ट, और सेकेंड है बटरफ्लाई, थर्ड है स्कॉर्पियन, और फोर्थ है प्राउन, झिंगा, झिंगा, झिंगा इज नॉट ए फिश, झिंगा इज अ इंसेक्ट, ओके। और एक और है सिल्वर फिश आता है एग्जाम्पल की, ये भी पूछा जा चुका है, सिल्वर फिश भी क्या है, आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है। अगला फाइलम हम लोगों का है मोलस्का, फाइलम मोलस्का, ठीक है, यानी कि आठवां फाइलम है हम लोगों का, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है यानी कि आर्थ्रोपोडा के बाद। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी मिल सकता है और एक्वेटिक भी है, और एक्वेटिक में क्या क्या हो सकता है, तो मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिल सकता है। हैविंग एन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल कैसा होता है, बायलेटरली होता है, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। और इसमें जो सिमेट्रिकल बायलेटरल, बायलेटरली तो मिलता है जनरली, लेकिन पीला है, पीला जो देखिए ए नंबर जो फिगर है पीला का है, ठीक है, ये असिमेट्रिकल है, यानी कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोगों को। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल एंड इज ऑन सेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्क्यूलर फुट एंड विसरल आर्म, ठीक है। इसका जो बॉडी है वो कवर रहता है किसके, किसे, तो कैलकेरियस सेल से, जो कैसा है, अनसेगमेंटेड है, और इसका जो बॉडी है तो वो तीन पार्ट में डिविजिबल है, फर्स्ट है हेड, दूसरा मस्कुलर फुट, और तीसरा विसरल आर्म, ठीक है। अगला है ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल आर्म, ठीक है। ये सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर प्रेजेंट होता है ऑफ स्किन, स्किन का जो क्या फॉर्म करता है, मेंटल फॉर्म करता है ओवर द विसरल आर्म, यानी कि विसरल आर्म जो होता है वो एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर स्किन से कवर होता है, ठीक। अगला है द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक। जो स्पेस है किसके बीच में, हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस है उसे मेंटल कैविटी बोला जाता है, और जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फंक्शन, जो क्या है, जो गिल्स है वो हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रेशन में। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल, जो एंटीरियर यानी कि आगे वाला हेड का रीजन है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स मौजूद होता है। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक, जो इसका माउथ है वो एक फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गेन, ऑर्गेन का एक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जिसे रेटुला बोलते हैं। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गेन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेटुला, ठीक है। जो इसका माउथ है वो क्या कंटेन करता है, एक फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गेन किसके लिए, भोजन के लिए, जिसे रेटुला बोला जाता है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर इसे रेटुला बोला जाता है कॉमन भाषा में, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लर्न करते हैं, एग्जाम्पल लर्न करने से पहले एक और पॉइंट है। दे आर यूजुअली डायोसियस, डायोसियस बोले तो डाइफोर दो, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेल में मेल, फीमेल में फीमेल, एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें जो क्या है, ओविपेरस होता है, और जो डेवलपमेंट है लार्वल स्टेज में होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या क्या है,
तीसरा फल है पीला, जिसे एप्पल स्नेल बोला जाता है। अगला है पिंक पैरा, जिसे पियर लॉयस्टर बोला जाता है। अगला है सेपिया, जिसे कटल फिश बोला जाता है। अगला है लोलीगो, लोलीगो जिसे स्क्वायर बोला जाता है। और फिर है ऑक्टोपस, यानी कि जिसे डेविल फिश बोला जाता है ऑक्टोपस को। अगला एप्लाइसिया, सी हेयर बोला जाता है एप्लाइसिया को, ठीक है। और फिर उसके बाद है डेंटेलिया, जिसे टस्क सेल बोला जाता है। और फिर है चिटोपिलुरा, जिसे चिटोन बोला जाता है या चिटोन। इसमें हम लोग को एग्जाम्पल कुछ याद रखना है, कुछ एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन क्या जो होता है कि जॉली तो इसमें क्या होता है, ओविपेरस होता है, जनरली ओविपेरस है। और क्या है, ओविपेरस है। और जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है, लेकिन लोलीगो और ऑक्टोपस, क्या लोलीगो जिसे स्क्वायर और ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश बोला जाता है, इसमें डेवलपमेंट है डायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो कैसे, मोलस्का, मोलस्का का मोल ले लिए, मोलस्का का क्या ले लिए, मोल। तो मोल क्या, मोल पी पी, देखिए पी यहाँ से उठाए और यहाँ से भी पी उठाए, पी आई, ठीक ठीक है। यहाँ से ए सी उठाए, से, ठीक है। यहाँ से एलो उठाए, लो, और यहाँ से क्या, ओ उठाए, और यहाँ से एप्पल उठाए, ए पी एल, एप्पल। यहाँ से डेन उठाए, डेन बोले तो डेन, ठीक। एंड यहाँ से चीटो, चीटो मीन्स चीटो, यानी कि चीटो भी उठा, जिसे हम लोग चाटो बोलेंगे, ठीक है, या चाटो, ठीक। इसे लिखिए मॉल, एम ओ डबल एल, मॉल मीन्स मोलस्का, और पी पी, फर्स्ट पी यानी कि पीला, दूसरा पी पिंटेरा यानी पियर लोस्टर, मॉल पी पी से, से फॉर सेपिया यानी कि कटल फिश, मॉल पी पी से लो, लो फॉर लोलीगो यानी कि स्क्वायर, मॉल पी पी से लो, क्या लो, इसमें लो में लिखिएगा, लो में, लो में दोनों आ गया, देखिए एल फॉर लोलीगो, ओ फॉर ऑक्टोपस, तो क्या एल लो में आ गया, लोलीगो और ऑक्टोपस। अगला है एप्पल, यहाँ से एप्पल उठाए, एप्पल, यहाँ से देन, डेन फॉर देन, यहाँ से चीटो फॉर चाटो, ठीक है। तो मॉल पी पी से लो, लो फॉर लोलीगो और ऑक्टोपस, मॉल पी पी से लो एप्पल देन चाटो, क्या मॉल पी पी से लो एप्पल देन चाटो, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, इसे लिख लीजिएगा। अगला फाइलम हम लोग का नाम है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो, इकाइनस का मतलब होता है क्या, स्पाइन, स्पाइन, स्पाइन मतलब कांटा, यानी कांटा, स्पाइन कांटा जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और डर्मेटा का मतलब जानते हैं स्किन, इसका जो स्किन होगा पटीला होगा, ठीक है, किसका, इकाइनोडर्मेटा का। दीज एनिमल्स हैव एन इंडो स्केलेटन ऑफ कैल्सेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, जो इसका इंडो स्केलेटन होता है कैल्सेरियस ऑसिकल्स का होता है, और इसलिए इसे इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। और इसका जो बॉडी होता है कैसा होता है, स्पाइनी बॉडी होता है, ठीक, स्पाइनी बॉडी। और इसका जो फीट होता है यानी फुट यानी पैर, ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब जैसा, तो फीट ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्मेटा का, स्पाइनी बॉडी तो है ही और साथ में जो इसका फीट है, पैर है, वो ट्यूबुलर है, ठीक। ऑल हर्मेरिन विथ ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेन ऑर्गेनाइजेशन, द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। जो एडल्ट होगा वो क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल होगा, और लार्वा स्टेज इसका जो होगा वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, रेडियली किसमें, एडल्ट में, और बायलेटरली लार्वा में सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट विद माउथ ऑन लोअर यानी कि वेंट्रल साइड पे मिलेगा माउथ एंड एनस ऑन द अपर या डोर्सल साइड, ठीक है। जो एब्डोमिन वाला साइड होता है जिसे हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो पीठ वाला साइड होता है यानी कि डोर्सल साइड, पीठ वाला, उसे डोर्सल साइड बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ जो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, और एनस जो प्रेजेंट होगा अपर साइड में डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्या वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट किसमें रहता है, इकाइनोडर्मेटा में, जबकि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम स्पॉन्जी में यानी कि पोरीफेरा में था। यहाँ पे ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम आएगा तो ये इकाइनोडर्मेटा में, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, तो क्या क्या चीज़ में हेल्प करेगा, क्या क्या चीज़ में, तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करेगा, और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में। एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑब्सेंट, और इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑब्सेंट होता है, सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि सेपरेट है, तो डायोसिस होगा यानी कि दोनों अलग अलग बॉडी पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगी। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, कैसा, इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज में विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, और जो इसका लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस मीन्स सी अर्चिन, एंटीडोन, एंटीडोन मीन्स सी लिली, ठीक, कुकुमरैया, कुकुमेरिया यानी कि सी ककम्बर, और अगला है ओफिमुला यानी कि ब्रिटल स्टार,
एक एग्जाम्पल था क्या क्या, स्टेरियस यानी कि स्टार फिश, इकाइनस यानी कि सी अर्किन, अंटीडन यानी कि सी लिली, कुकुमेरिया यानी कि सी ककम्बर, और ओफ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इच यहाँ पे नाम से पहले स्टार्ट किए, इकाइनोडर्मेटा है नाम, इच इसमें आ गया, यहाँ से इच उठाइए, इच से आ गया क्या आपका, इच से आ गया इकाइनस, इच से आ गया इकाइनस यानी कि सी अर्किन से बोला जाता है, इच फॉर इकाइनस, ऐसे दिमाग में सीधे क्या इकाइनोडर्मेटा आते इकाइनस आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है ओपी, ओपी फॉर ओफ्यूरा, ओपी फॉर ओफ्यूरा, यहाँ पे एंटीडोन, एंटीडोन से उठा लिए एंटी, एंटी मीन्स आंटी, क्या आंटी। ठीक है, तो इच ओपी आंटी, और यहाँ से हम उठा लिए क्या, क्या उठाए स्टार, स्टार स्टार कहते ही आ जाना चाहिए स्टेरियस, क्या स्टेरियस, और ये कहता है ब्रिटल स्टार जो ओफ्यूरा है। ठीक है, इच ओपी आंटी स्टार ककम्बर, ठीक है, क्या है इच ओपी आंटी, ओपी मान लीजिए नाम है किसी आंटी का, ठीक है, इच ओपी आंटी स्टार ककम्बर, याद हो गया। ठीक है, टीचर नोट डाउन कीजिए। अगला हम लोगों का हेमिकोडाटा, नोन का डाटा का लास्ट फाइलम दसवां। ठीक है, हेमिकोडाटा का, हेमिकोडाटा, हेमी मीन्स होता है आधा, आधा होता है ना, हेमी मीन्स आधा, आधा क्या कोडाटा, इसमें हेमिकोडाटा, कोडेट क्या होगा आधा कोडेट है। हेमिकोडाटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कोडाटा, पहले ये क्या फाइल, पहले इस सब फाइलम में रखा गया था हेमिकोडाटा को, यानी कोडाटा के अंतर्गत पहले था, पहले ये कोडाटा के अंतर्गत रखा गया था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडाटा, अब इसे एक सेपरेट फाइलम के अंतर्गत रखा गया है नॉन कोडाटा में। हेमिकोडेट्स हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉड, हाँ इसमें क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉड की तरह, ठीक है, नोटोकॉड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकोड बोला जाता है, स्टोमोकोड बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्टोमोकोड, जो किसमें प्रेजेंट होता है हेमिकोडाटा में, और हेमिकोडाटा कैसा है नॉन कोडेट है। ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विथ ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फाइलम किसको कंसिस्ट करता है, तो वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स को, और इसका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, और इसमें सिमेट्री कैसा है बायलेटरली है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल्स है। ठीक है, द बॉडी इज साइलिंड्रिकल एंड इज कंपोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोस्किस, और मिडिल होगा पोलर, और नीचे वाला जो होगा पूंछ वाला रीजन उसे ट्रंक। ठीक है, इसका जो बॉडी है तीन पार्ट में डिविजिबल है, पहला ऊपर वाला पार्ट प्रोबोस्किस बोला जाता है, और कॉलर रीजन बीच वाला जिसमें स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉलर रीजन में क्या स्टोमोकोड प्रेजेंट रहेगा, और ट्रंक, ट्रंक जो पूंछ वाला रीजन है उसे ट्रंक बोला जाता है, किसमें, किसमें हेमिकोडाटा के मेंबर में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ओपन टाइप होता है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पायरेशन कैसे होगा तो गिल्स के थ्रू होगा, एक्सक्रेटरी ऑर्गेन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड, तो ये भी पूछा जा चुका है प्रोबोस्किस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन तो हेमिकोडेट, और हेमिकोडेट में क्या प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गेन का काम करता है, जो एक्सक्रेशन में मदद करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है यानी कि मेल में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन क्या होगा बॉडी के बाहर होगा यानी कि एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो इसमें भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है ब्लाइनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, क्या ब्लाइनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे, कैसे, हम है साइको वाले, ठीक है, हम है साइको वाले, या साइको वाला हम। ठीक, बालाफोर, बालाफोर बाला गाना नहीं यार, बालाफोर ब्लाइनोग्लोसस, ठीक है, और सेकोफोर, सेकोफोर सेकोग्लोसस, और हेमी तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम उठा लिए हेमी से। ठीक है, हम है साइको वाला, या है या क्या साइको वाला हम। ठीक है, तो अपना नॉन कोडेट फाइलम समाप्त हो गया, और अगले लेक्चर में हम लोग फाइलम कोडेटा को ब्रीफली डिस्कस करेंगे ट्री के साथ और लर्न करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारे लेक्चर पहुंचता रहे, और सारे एनसीईआरटी बुक को हम लोग 2 मंथ के अंदर रिवाइज करेंगे इसी प्रकार। ठीक है, और नीट 2021 में 340+ मार्क्स बायोलॉजी में उठाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सारे कोर्सेज का, सारे लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।